అందరికీ నమస్కారం. పార్వమ్ అండ్ అనురాగ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ కి స్వాగతం. హమ్నే తెలుగు సీఖ్ లియే, నహీ హమ్నే నహీ సీఖియే. హమే ప్రణవ్ కుమార్ జీ ఔర్ నిషితా రెడ్డి జీ నే ఉన్హోనే హమే బతాయా కి ఇస్ తరీకే సే ఆప్ అప్నా ఇంట్రో బోల్ సకతే హో. ఆప్ బతాయేగా ఆప్కో కైసా లగా. హోగా తో హమ్ ఔర్ భీ ఏసీ చీజే లాయేంగే. తెలుగు మే మిస్టేక్ హో తో వో భీ ఆప్ క్లియర్ కర్ దీజియే ప్లీజ్. ఆప్కో కైసా లగా బతాయేగా జరూర్. ఔర్ అబ్ హమ్ సాంగ్ కే రియాక్షన్ పే ఆతే హై. ఆజ్ హమ్ లాయే హై పురణామి మూవీ కా భారత వేదము కా సాంగ్ కా రియాక్షన్, జో కి హై ప్రభా జీ ఔర్ త్రిషా అండ్ చార్మి జీ కా. ये मूवी जो है ये 2006 में आई थी और इसको प्रभु देवा जी ने डायरेक्ट किया था. तो प्रभु देवा जी के डायरेक्शन तो हमें पता ही है, उन्होंने राउडी राठौड़, वांटेड जैसी जबरदस्त मूवी डायरेक्ट किया है. एंड अभी 2019 में उनकी दबंग 3 आती है. क्या बात है, सुपर स्टार दोनों साइड, एक साइड सलमान खान, एक साइड प्रभु देवा जी. और प्रभु देवा जी का हमारे इंडियन माइकल जैक्सन, सबको पता है उनका, मतलब मल्टी टैलेंटेड है. कोरियोग्राफिंग भी इतनी जबरदस्त करते हैं एंड साथ साथ डायरेक्शन भी अमेजिंग. और इस मूवी की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है. इस मूवी की स्टोरी को जैसी है कि एक फैमिली होती है, तो वो जो होती है वो मतलब उन्होंने ना इस विलेज को एक बार फ्लड से बचाया होता है. अच्छा. तो उसका उसमें ऐसे उन्होंने उनके मान्यता होती है कि वो हर 12 साल बाद उनके घर से कोई एक फीमेल वहाँ पे डांस करती है, तो उसकी वजह से वो फ्लड या तो वो चीज़ें बच जाती है मंदिर में. हाँ. अच्छा. तो वो बहुत मतलब बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. एंड ऐसा होता है फिर जो त्रिशा जी है ना वो लास्ट में कहीं घूम हो जाती है, जिन जो एल्डर सिस्टर है. अच्छा. जिनको उस टाइम डांस करना होता है. अच्छा. तो फिर जो प्रभास जी हैं वो फिर चार्मी कौर को सिखाते हैं एंड बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बनती है. तो वो विलन से लड़ते हुए करते हुए चीज़ें बनती है. सॉन्ग का ये थंबनेल देखा तो थंबनेल से भी वही लग रहा था कि ना वो जबरदस्त डांस आने वाला है. और ये ऐसा ही लग रहा है शायद ये लास्ट पार्ट ही है. अच्छा. क्योंकि शायद प्रभास है तो फिर क्या हो. और अब सॉन्ग की बात करें तो सॉन्ग को गया लेजेंड के एस चित्रा जी ने, जो कि तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, पंजाबी, मराठी हर जगह उन्होंने 18 लैंग्वेजेस से ज़्यादा, मतलब अगर मैं बेसिक उनका रेशियो बताऊं तो 18 लैंग्वेजेस से ज़्यादा उन्होंने सॉन्ग गाए हैं. और इसके अलावा उनको नॉर्थ इंडिया में पिया बसंती और साउथ इंडिया में नाइटिंगेल के नाम से भी जाना जाता है. और के एस चित्रा जी साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की एकमात्र ऐसी फीमेल सिंगर है जिन्होंने रॉयल अल्बर्ट हॉल जो कि लंदन में है उसमें परफॉर्मेंस दी है. आज तक वह साउथ इंडियन इंडस्ट्री कोई भी फीमेल ने परफॉर्मेंस नहीं दी है. और इसके अलावा उनका एक सॉन्ग था कहना है क्या, बॉम्बे मूवी से ये सॉन्ग था. तो वो सॉन्ग गार्डियंस 1000 सॉन्ग्स एवरीवन मस्ट हियर लिस्ट के अंदर काउंट किया जाता है वो सॉन्ग. और उसके अलावा उनकी मूवीज जैसे अरुंधति, अनुष्का शेट्टी जी की देखी थी, बॉलीवुड मूवीज जैसे गुरु, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, ऐसी बहुत सारी मूवीज में, मतलब इवन एस वेबसाइट, उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना उसके ऊपर ईयर बाय ईयर के हिसाब से ना हर मूवीज के सॉन्ग्स लिखे हुए हैं. मतलब आप स्क्रॉल डाउन करते जाओगे खत्म ही नहीं होगा. इतने जबरदस्त टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं इस सॉन्ग के लिए और एक पूरी मूवी के लिए, तो ये मूवी जबरदस्त होगी. और अभी ये सीन देखते हैं और ये मतलब सॉन्ग देखते हैं. आप भी देखो, हम भी देखते हैं. लेट्स स्टार्ट. ये वही लग रहा है वो मंदिर का, वो टाइम आ गया है, पूर्णमासी की रात आ गई. क्या विशाल का मंदिर है, कितना एपिकली सीन दिखाया गया. वाओ. ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है. फीमेल वॉइस बहुत सुपर्ब है. मतलब ट्रेडिशनल साउथ इंडियन वेदर लग रहा है. सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, वो वाइड एंगल से अगेन दिखाया गया है पूरा वो मंदिर, शिवलिंग एंड उनका डांस, सब ब्यूटी, सब अच्छे से दिख रहा है. जो शायद गुंडे जो उनको उठा के ले गए, ये शायद नहीं जाते हैं वो डांस वो. अच्छा. मंदिर भी देख कहाँ है, पानी के बीच में. ओहो. Thank you.
दिख रही है इनको। करना त्रिशा जी को ही था, लेकिन आज आर्मी जी रही है, किडनैप कर लिया होगा। जब तक उसको पकड़ा हुआ था वो, तब तक उनको वो दिख रही है, वो दिख रहा था उनका दिया हुआ लॉकेट हो सकता है। कितने इमोशंस रन कर रहे हैं वो, एकदम से वो दिख रही है, एकदम से वो दिख रहे हैं, गुंडे आ गए। इतना मुश्किल हो गया बैलेंस करना पूरा। कुछ ना कुछ करेंगे ये, क्या कर रहे हैं, बोतलें फेंक रहे हैं, पैर में कांच चुभे इसके लिए। अच्छा ये देख, ओहो आप बंदे जबरदस्त बहुत ज्यादा एपिक सीन है। ओ बाप रे, मैं वही सोचता था दूसरा पैर कैसे रखेंगे, वो जंप करके रख रहे हो। माय गॉड वाओ अमेजिंग। ट्रेनिंग रोंगटे खड़े कर दिए मेरे दोनों के लिए, वो इतना सहन कर रहे हैं, साथ में वो बैलेंस कर रही है जंप कर करके। ओहो वाह कमाल है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गूज बम्प्स आ रहे हैं। अब फाइट होगी। बहुत ग्रेस से कर रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरीके से सीन को शूट किया गया ना, एपिक है, अमेजिंग। बारिश आ गई, भगवान खुश हो गए। वाह
बढ़िया सीन दिखाया गया है। तो वो एक्चुअली मतलब वो हर 12 साल में बारिश लाने के लिए किया जाता है। हाँ तभी बारिश आई सब खुश हो गए। हाँ गूज़बम्स देने वाला सीन था, हिला के रख दिया गाने ने बहुत जबरदस्त। कितना अमेजिंगली शूट किया गया इसको, मतलब कुछ बोल नहीं सकते। आज भी मैंने ऐसी शूटिंग कहीं नहीं देखी होगी जिस तरीके लिटरली कि वो सॉन्ग चल रहा है, वो बाहर वो फेंक रहे हैं, फिर वो मार रहे हैं, मतलब किस तरीके फाइट वाल फाइट के साथ जो सॉन्ग का कॉम्बिनेशन आया ना, अमेजिंग। ऊपर से चार्मी जी के सारे एक्सप्रेशंस पूरे पूरे टाइम वो बना के रखा था। हाँ वो बहुत जबरदस्त अमेजिंग, स्पीचलेस हो गए एक बार के लिए। और जो सिनेमेटोग्राफी थी गाने की, मतलब कुछ कह नहीं सकते कि अरे क्या किया इन लोगों ने, मतलब। और डीएसपी जी की इसके लिए बहुत ज़्यादा तारीफ करनी होगी, उन्होंने जिस हिसाब से ये गाने के लिए म्यूजिक कंपोज किया है, मतलब उन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि ट्रेडिशनल सॉन्ग्स में भी वो कहीं किसी से पीछे नहीं है। जोरदार, पर ऐसा लगता है प्रभास के तब से चलता ही आ रहा है कि वो किसी को चलते वक्त रुकवाने नहीं देते ना, शिवगामी देवी हो ना देवसेना हो, किसी को भी रुकते नहीं देते, बिल्कुल चलते रहो। और वो कुछ भी कर लेंगे बीच में, खुद के ऊपर कांच ले लेंगे पर रुकने नहीं देंगे। सबसे एपिक वही सीन था जब नीचे गिरे तो मेरे को लगा अब दूसरा स्टेप कैसे चलेंगे, क्योंकि पहला स्टेप हो गया वो दूसरा चलेंगे तो इतना मोड़ थोड़ा ना सकते हैं। तो वो जोरदार जंप किया फिर वो और वो बैलेंस कर रही है साथ साथ में, एपिक सीन। और वो जब भी उसको टच कर रहे हैं तो उनको वो त्रिशा जी दिख रही है, और लॉकेट फिर जब हटा रहे हैं तो उनको चार्मी जी दिख रही है। कितना जबरदस्त था, बहुत अमेजिंग। पर ये एक लास्ट में डाउट था मुझे, जहाँ सॉन्ग खत्म होता था तो पीछे हाथ किसका आया, वो शायद त्रिशा जी लग रही है। त्रिशा जी आ गई है उस टाइम पे, वो अगर वो आ जाए पर ये सॉन्ग यही खत्म हो गया तो बाकी देर इसको सॉन्ग को देख के लग रहा है मूवी देखने लायक है लिटरली। जान हमें तो वो मतलब वो जो मेरे को लगा था विलेज में फ्लड जाने से रोकती है, पर वो तो उल्टा ये 12 साल में बारिश की बारिश आए। हाँ तभी तो देखा ना बारिश है तो सब खुश हो गए थे एकदम। सही है, बहुत जबरदस्त, बहुत एपिक सीन लगा, मजा ही आ गया बिल्कुल ही। ऐसी आप बताते रहिए और आपको प्रभास जी के कौन से दिखाने हैं। और बस लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।